बड़हरा प्रखंड के फरदहा गांव में डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों मरीजों को निःशुल्क इलाज भी किया गया और दवा भी दी गई। वहीं डॉक्टर अनिल कुमार ने चिकित्सा शिविर के दौरान कहा कि हम गरीब के बीच में जाकर इलाज करते हैं। मेरा लक्ष्य है कि जो मरीज शहर तक नहीं पहुँच पाते हैं, हम उनके बीच में खुद जाकर इलाज करेंगे और उन्हें दवा भी प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार, मैं समृद्धि न्यूज चैनल से अमित गिरी। अभी हम खड़े हैं बड़हरा प्रखंड के फरदहा गांव में। डॉक्टर अनुरंजन कुमार और उनके साथियों के द्वारा एक अच्छी पहल है कि जो पंचायत स्तर तक जाकर एक गरीब गुरबा का निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर निःशुल्क इलाज करते हैं। और आइए हम यहाँ के जो ग्रामीण जनता हैं उनसे बात करते हैं कि जो चिकित्सा शिविर लगाया गया है उनसे वह कितना संतुष्ट हैं। हाँ, बताया जाए कि डॉक्टर जो अनुरंजन कुमार के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है उनसे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? अरे एकदम संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अभी सुबह से अभी तक चल रहा है। अच्छा। और कम से कम हजारों हजारों की संख्या में अभी तक, मतलब हम लोग के गांव में अभी तक मतलब डॉक्टर लोगों ने देखा मरीज। अच्छा, क्या क्या मतलब डॉक्टर अनुरंजन कुमार के द्वारा वितरण, दवा वितरण? दवा वितरण एकदम पूरा पूरा एकदम हर किसी को दवा का वितरण हो रहा है। कहाँ के रहने वाले आप? हम यहीं पे फरदहा ग्राम। क्या नाम है? नीरज सिंह। अनुरंजन कुमार के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है, इसमें मरीजों का जो दवा वितरण किया जा रहा है, मतलब किन किन लोगों का सहयोग रहता है आप लोग बताया? हमारे यहाँ से देखा जाए तो हमारे जो कलीग हैं हमारे साथ में मिस्टर राजीव है DWD से, और एक मिस्टर प्रशांत है आजय फार्मास्यूटिकल से, वाइकल से सुमित जी हैं जिनके गाँव में खुद आज ये कैंप लगा हुआ है उन्हीं के सहयोग से, और उसके साथ में नौकेम के हमारे ये गौरा बाबू है, तो सारे लोग आते हैं मिक्स करके। अलकेम के भी हैं इसमें लड़के लोग, उसके बाद में मतलब जितने भी हम लोगों की कम्युनिटी के कलिंग है, मैनकाइंड हो या सारे ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे मेडिसिन हम लोग अवेलेबल करवाए हैं ताकि पेशेंट को ज्यादा ज्यादा कोई मतलब पैसा उसका भी लगता है? नहीं, एक भी पैसा नहीं। मुफ्त चिकित्सा शिविर है, इसमें पैसा लगने का कोई भी चांसेस नहीं है। और एक्चुअली हमने पहले ही बोला कि सुमित भाई के गाँव में ही हम लोग ये कैंप करवा रहे हैं, तो अब जब इन्हीं के गाँव में हो रहा है, इन्हीं के सहयोग से हो रहा है, तो सवाल और ग्रामीणों का सपोर्ट है, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और साथ साथ सारे दवाई जो दिया जा रहा है ना, सारे दवाई डोज बाई डोज 2 दिनों के लिए दिया जा रहा है। हमें इनसे बात करके पता चला है हमारे लोगों से कि जो दवा वितरण की जा रही है बिल्कुल निःशुल्क है और सारी ब्रांडेड ही दवाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। क्या बीमारियों का इलाज किया जा रहा है? फिजिशियन आए हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं और साथ में एक डेंटिस्ट है। फिजियोथेरेपी में है डॉक्टर सत्यम, डेंटिस्ट में है विशालनंद और फिजिशियन में डॉक्टर अनंत। सर, जैसे कि इस लगातार आप लोगों के द्वारा हर गांव स्तर पर लोगों का इलाज किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है, आज सर चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई गई है, क्या लगता है कि आगे कुछ वृहद स्तर पर करने के कोई? जी बिल्कुल, हमारा जो संकल्प है ये है कि हम और चिकित्सकों को लेके आए जो हमसे जुड़ना चाहेंगे, उनको जोड़ के और भी लोगों को बढ़ाया जाए, जिसमें मरीजों को जितने से जितने लाभ हम दे सकें। ठीक है ना, हो सकता है आगे हम एक सर्जन को भी लेके आए साथ में, उनके सहयोग मिले, अगर उनसे हमारी बातचीत चल रही है आगे, अगर वो अगर एग्री हो जाए तो उनको भी हम लेके आएंगे। थैंक यू सर।